दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने WhatsApp पर आने वाले कॉल्स को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि WhatsApp की कॉल रिकॉर्डिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको बताया कि अगर हम WhatsApp को ओपन करते हैं, WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरे सेटअप में हम जाके देखते हैं तो आपको कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता WhatsApp की तरफ से, जिससे कि आप WhatsApp की कॉल को रिकॉर्ड कर सकें। और इसी वजह से काफी लोग सिर्फ WhatsApp का यूज करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉल करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि WhatsApp की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, सादा कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि अपने WhatsApp की कॉल को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब अगर कोई ऐसा पर्सन आपको कॉल करता है जो आपको नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा है, आपको WhatsApp कॉल सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ना हो सके, तो आप उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग यहां पे कर पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने WhatsApp के कॉल किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने WhatsApp की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे चार परमिशन मांगी जा रही है, स्टोरेज की परमिशन, माइक्रोफोन की परमिशन, फोन की परमिशन और कॉन्टेक्ट की परमिशन। तो ये चारों परमिशन आपको ऐसे ग्रांट करनी है। तो चलिए ग्रांट परमिशन वाले बटन पर टैप करते हैं और वन बाय वन करके इन सभी परमिशन को हम यहां से अलाउ कर देते हैं। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको एनेबल ऐप कनेक्टर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे और इस पर टैप करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। इसके बाद आपको चले जाना है डाउनलोड सर्विस में और डाउनलोड सर्विस में जाने के बाद यहां से आपको इसी एप्लीकेशन को ओपन करना और इसको आपको यहां से परमिशन दे देनी है। इसकी परमिशन को भी मैं यहां से अलाउ कर देता हूं, को भी अलाउ कर दिया है। अब इसके बाद में ऑटो स्टार्ट की परमिशन मांग रहा है, तो अगेन इस बटन पर टैप करेंगे और इस बटन पर टैप करने के बाद आपको ये परमिशन भी यहां से इसको अलाउ कर देनी है। तो चलिए इसकी परमिशन हम यहां से अलाउ कर देते हैं। इसके बाद अगेन आपको बैक ले लेना है और इसके बाद आपको ओके गॉट इट पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहां से अलाउ पे टैप कर देना है, ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड में वर्क करने लगेगी। इसके बाद आपको यहां पे अगर जियो टारगेटिंग का ऑप्शन इनेबल करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहां से इसको नो थैंक्स कर देता हूं, ओके गॉट इट कर देते हैं। अब इसके बाद यहां से आपको प्रीमियम वर्जन के बारे में बता रहा तो हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको नीचे की साइड दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फोन और सेकंड आपको मिल रहा है व्हाट्सएप। तो अगर आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सादा वाली के लिए इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहां से फोन सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हमें अपनी व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है इसलिए हम यहां से फोन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहां से करेंगे सिलेक्ट व्हाट्सएप को। WhatsApp को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैं इस एप्लीकेशन को पहले से यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी है। तो आपको इतना ही सेटअप करना है, इतना सेटअप करने के बाद जब भी आपके WhatsApp पे आप किसी को कॉल करेंगे या कोई पर्सन आपको WhatsApp कॉलिंग करेगा तो उसकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि चलिए एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ और आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था। आपके फोन पे भी जितनी भी WhatsApp कॉलिंग आएगी, आप किसी को WhatsApp कॉल करेंगे तो इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फोन में WhatsApp पे आने वाली कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।